नमस्कार दोस्तों, आप लोग को जोहार एग्जाम में स्वागत है दोस्तों। तो चलिए दोस्तों, आज हम लोग झारखंड महिला सुपरवाइजर हिंदी पेपर टू का मैराथन क्लास करेंगे दोस्तों। जो आप लोग को इस मैराथन क्लास में मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, झारखंड लेडी सुपरवाइजर हिंदी पेपर टू के लिए, जो आप लोग को एग्जाम में बहुत हेल्पफुल करेगा दोस्तों। ये क्वेश्चन देखिए दोस्तों, आप लोग को सोशियोलॉजी, साइकोलॉजी और होम साइंस का तो एग्ज़ाम आप लोग को ख़त्म हो गया है। जिसका भी खराब और अच्छा गया होगा तो कोई दिक्कत नहीं, आप लोग पेपर टू में स्कोरिंग अच्छा कीजिए दोस्तों। उसमें 80 से 90 लाइए दोस्तों, आप लोग की सेफ स्कोर पर रह जाएगा। देखिए दोस्तों, बहुत सी एग्ज़ाम देने जा रही है अभी, तो वो सब बता रही है कि 80 से 90 प्लस अटैम्प्ट करके आ रही है। इसीलिए आप लोग भी उतना अटैम्प्ट करके आइए और सही सही अटैम्प्ट करके आइए उतना, आप लोग 80 से 90। ये नहीं नेगेटिव भी है, इसीलिए आप लोग नेगेटिव को ध्यान में रखते हुए 80 से 90 तक मार्किंग करके आइएगा, उतना क्वेश्चन बना के आइएगा आप लोग 80 से 90, समझे। तो देखिए, आप लोग नेगेटिव मार्किंग है तो इसमें आप लोग ध्यान लगा के लगाइएगा, ठीक, क्योंकि आप लोग आईटी क्वेश्चन आ रहा है तो आईटी क्वेश्चन ही आप लोग टिक लगा के आइए। ये नहीं कि आईटी क्वेश्चन आ रहा और 10 क्वेश्चन बना रहे हैं और तुक्का मार दिए, ये काम नहीं कीजिएगा आप लोग, क्योंकि आप लोग तुक्का मारने के चलते फिर आपका स्कोरिंग नंबर कम आ जाएगा। इसीलिए आप लोग तुक्का मत लगाइएगा, समझे। जितना क्वेश्चन आ रहा है उतना क्वेश्चन आप लोग टिक करके आइएगा ईमानदारी से। तो चलिए, हम लोग आज का ये मैराथन क्लास में मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन देखेंगे दोस्तों, जो आप लोग को लेडी सुपरवाइजर के लिए हिंदी पेपर हेल्पफुल रहेगा दोस्तों। तो चलिए क्लास की ओर, क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। देखिए, फर्स्ट क्वेश्चन में क्या है कि गोपियों के अनुसार पहले से ही चतुर कौन था। तो कौन था दोस्तों, उद्धव, कंस था, कृष्ण या बलराम। तो गोपियों के अनुसार सबसे पहले से चतुर कौन था दोस्तों, तो कौन था, ये कृष्ण जी थे, श्री कृष्ण थे। आगे देखिए क्या, निम्नलिखित में कौन सी रचना सूरदास की नहीं है। इस चारों में से कौन सा सूरदास जी की रचना नहीं है दोस्तों, साहित्य लहरी, सुरसागर, साहित्य अमृत, पूर्व सरावली। तो इसमें से कौन सा सूरदास की रचना नहीं है दोस्तों, तो ये कौन सा नहीं है, तो ये साहित्य अमृत नहीं है, जबकि साहित्य लहरी ये सूरदास जी की रचना है, सुरसागर भी और पूर्व सरावली भी है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, तो ये साहित्य अमृत हो जाएगा। आगे देखिए तुलसीदास कहाँ के स्थायी निवासी थे। तो तुलसीदास जी कहाँ के स्थायी निवासी थे दोस्तों, तो ये कहाँ के थे स्थायी निवासी, तो काशी के, अमृतसर के, वृंदावन के या अयोध्या के थे। तो तुलसीदास कहाँ के निवासी थे दोस्तों, तो ये थे आपको काशी के थे। कहाँ के थे, काशी के। आगे देखिए, भयंकर गर्मी के कारण परस्पर विरोधी जानवरों के जंगल को कैसे बना दिया जाता है दोस्तों। तो भयंकर गर्मी के कारण परस्पर विरोधी जानवरों ने जंगल को कैसे बना दिया दोस्तों, दुर्गम, तपोवन, जंगल का मैदान या इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, ये हो जाएगा आप लोग को तपोवन। आगे देखिए, क्या है पांचवा क्वेश्चन में कि कवित के कवि कौन है। तो कवित के कवि कौन है दोस्तों, तो सूरदास जी है, कालिदास है, भूषण है, कबीर है। तो कौन है दोस्तों, तो इसके है भूषण जी है। आगे देखिए, इनमें से कौन सी कृतियां विद्यापति जी की नहीं है। तो कविता वाली, गंगा वाक्यावती, गोरक्ष विजय या शेर सरो सल सार होगा। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, ये हो जाएगा आप लोगों को कविता वाली, ये कृता विद्यापति जी की नहीं है। अब देखिए, कबीर मृत्यु के लिए काशी छोड़कर कहाँ चले गए थे दोस्तों। तो कबीर मृत्यु के लिए काशी कहाँ छोड़कर चले गए थे दोस्तों, तो ये धन घाटा में, बखीरा में, हसर में या मगहर में। तो कहाँ चले गए थे दोस्तों, तो ये चले गए थे आप लोग को मगहर में। आगे देखिए,
भ्रमर गीत किस रचनाकांड से, तो भ्रमर गीत किस रचनाकांड से दोस्तों, सुर सागर, ब्रज विलास, गंगा लहरी, साहित्य लहरी। तो भ्रमर गीत किस रचना का अंश है, तो ये है आप लोगों को कि सुर सागर का अंश है। देखिए किस अशुभ नक्षत्र में तुलसीदास का जन्म हुआ था दोस्तों, तो कृतिका में, मृग शिरा में, उत्तरा में या अमुक्त मूल में। तो किस अशुभ नक्षत्र में तुलसीदास जी का जन्म हुआ था, तो उनका जन्म हुआ था दोस्तों आप लोगों को अमुक्त मूल में। देखिए बिहारी सतसई में कुल कितने दोहे संकलित है, तो बिहारी सतसई में कुल कितने दोहे संकलित है दोस्तों, 300, 713, 714, 708 या 723। तो बिहारी सतसई में कुल कितने दोहे संकलित है, तो उसमें है 713 दोहे संकलित है। आगे देखिए देखिए कवित के प्रथम पद में कौन सा रस है, तो कवित के प्रथम पद में जो कौन सा रस है दोस्तों, करुण रस, वीर रस, श्रृंगार रस या विभोत्सव रस। तो कवित के प्रथम पद में कौन सा रस है, तो है आप लोग को वीर रस। देखिए प्रलल भानु तम मोम में कौन सा अलंकार है दोस्तों, तो रूपक है, चमक है, उपमा है, अनुप्राप्त है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, इसमें कौन सा अलंकार है दोस्तों, तो ये है रूपक अलंकार है। आगे देखिए देखिए भारतेंदु जी ने किस भाषा को अपनाने की स्वीकृति दी है दोस्तों, तो संस्कृत, निष्ठ, अरबी, फारसी, व्यवहारिक भाषा या इनमें से कोई नहीं। तो भारतेंदु जी किस भाषा को अपनाने की स्वीकृति दी है दोस्तों, तो वे दिए हैं आप लोगों को व्यवहारिक भाषा। देखिए अगला क्वेश्चन क्या है कि दिनकर ने किस रचना में नर नारी के सनातन योद्ध संबंधों मनोवैज्ञानिक दृष्टि से श्रृंगारी बनाया है दोस्तों, तो शाम धेनी को, उर्वशी रसवंती या नील कुसुम को। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, तो कौन सा है, उर्वशी हो जाएगा। देखिए इनमें से कौन सा आज्ञा की रचना है दोस्तों, तो भवंती, इंद्रधनुष, रोंदे हुए ये, त्रिशंकु या ये सभी। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, तो ये हो जाएगा आप लोगों को ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, तो ये डी, ये सभी हो जाएगा। भवंती होगा, इंद्रधनुष को रोंदे हुए ये, त्रिशंकु, ये इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। आगे देखिए देखिए निराला जी का जन्म कब हुआ था, तो निराला जी का जन्म कब हुआ था दोस्तों, तो उनके जन्म वसंत पंचमी दिन सन 1996 ईस्वी में, 1896 ईस्वी में, सॉरी 1897 ईस्वी में या 1875 ईस्वी में या 1888 ईस्वी में। तो निराला जी का जन्म कब हुआ था दोस्तों, तो उनका जन्म हुआ था, आप लोग को पता होगा, पढ़े होंगे जरूर, 1896 ईस्वी में। आगे देखिए नौका विहार कविता में किस राजभवन का उल्लेख है दोस्तों, तो नौका विहार कविता में किस राजभवन का उल्लेख है दोस्तों, तो राष्ट्रपति भवन का, मैसूर भवन का, काका कोकर राजभवन का या इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर आप लोग को क्या हो जाएगा, तो ये इसका राइट आंसर हो जाएगा, कौन राजभवन का उल्लेख है, काका कोकर राजभवन का उल्लेख है, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे देखिए क्या है नागार्जुन का जन्म कहाँ हुआ था, तो नागार्जुन जी का जन्म कहाँ हुआ था, हुआ दरभंगा में हुआ था या मधुबनी में हुआ था या दरभंगा, तो दरभंगा में देखिए किस जगह पर हुआ था दोस्तों उनका। देखिए आप लोग को नागार्जुन जी का जन्म कहाँ हुआ था, तो ये मधुबंदी में हुआ था, कहाँ हुआ था, मधुबंदी में। आगे देखिए देखिए अगला क्वेश्चन
क्या है, स्नातक कोतर परीक्षा पास करने के बाद सर्वेश्वर दयाल किस सेवा में गए थे दोस्तों? तो किस सेवा में गए थे ये? भोपाल तथा इंद्र की आकाशवाणी में सहायक प्रोड्यूसर के पद पर, या किरानी गिरी में, या आकाशवाणी दिल्ली में, या इन सभी में बारी बारी से? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ये सभी जगह पर ये गए थे दोस्तों। देखिए, अतीत के चलचित्र की लेखिका का नाम बतलाएं। तो अतीत के चलचित्र की लेखिका का नाम बतलाना है दोस्तों, महादेवी कल्याणी, सुमन रागे, सुभद्रा कुमारी चौहान। तो इसका राइट आंसर क्या होगा दोस्तों? अतीत के चलचित्र के लेखिका तो ये कौन है? ये है आप लोगों को महादेवी वर्मा। कौन है? महादेवी वर्मा। आगे देखिए क्या है कि हिंदी नाट्य साहित्य के इस युग को क्या कहना युक्ति संगत होगा दोस्तों? तो नाटक युग, प्रसाद युग, द्विवेदी युग, या इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा आप लोग को प्रसाद युग। आगे देखिए दिनकर जी को बिहार सरकार ने कब प्रचार विभाग में उप निदेशक बनाया था दोस्तों? तो दिनकर जी को बिहार सरकार ने कब प्रचार विभाग में उपनिदेशक बनाया था दोस्तों? 1947 में, 1948 में, 1949 में, या 1985 ईस्वी में? तो कब बनाए थे दोस्तों इनको उपनिदेशक बनाए थे? ये बनाए थे आप लोग को 1947 ईस्वी में। देखिए क्या, हिंदी काव्य साहित्य में 1945 से 1955 तक समय में जो कविता लिखी गई है उसे कौन सी कविता कहेंगे दोस्तों? तो उसे कौन सी कविता कहेंगे दोस्तों? तो संकुचितवादी। आगे देखिए क्या है, प्रयोगवादी, रूपवादी, या प्रगतिवादी? तो क्या कहेंगे दोस्तों? तो उसे हम लोग कहेंगे, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो प्रयोगवादी कहेंगे दोस्तों। देखिए नागार्जुन का वास्तविक नाम क्या था? तो नागार्जुन जी का वास्तविक नाम क्या था दोस्तों? वैद्यनाथ मिश्र, भवानी प्रसाद मिश्र, लक्ष्मीकांत मिश्र, या राम दरस मिश्र? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो ये हो जाएगा आप लोग को वैद्यनाथ मिश्र हो जाएगा। देखिए लोकतंत्र को जूते की तरह लाठी में लटकाए भागे जा रहे हैं, सभी सभी सीना फुलाए, इस पंक्ति किनकी है दोस्तों? तो इस पंक्ति किनकी है दोस्तों? सर्वेश्वर दयाल सक्सेना की, धूमिल जी की, ऋतुराज की, नागार्जुन जी की? तो इसका राइट आंसर क्या होगा दोस्तों? तो इसका होगा ऑप्शन नंबर ए, सही होगा। आगे देखिए, देखिए नागार्जुन के प्रस्तुत पद्यांश में देश की किस स्थिति का चित्रण किया गया है दोस्तों? तो दर्द का, कल्पना का, शास्त्री का, छा सदी का, या धार्मिक कष्टों का? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो नागार्जुन के प्रस्तुत पद्यांश में कौन सी स्थिति का चित्रण किया गया है दोस्तों? ये किया गया है आप लोग को ऑप्शन नंबर सी, इसका राइट आंसर हो जाएगा। देखिए सर्वेश्वर दयाल सक्सेना कौन सा पुरस्कार से सम्मानित किया गया था दोस्तों? तो उनको साहित्य अकादमी पुरस्कार से, ज्ञानपीठ पुरस्कार से, या ए और बी दोनों से, या इनमें से कोई नहीं? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा आप लोग को? तो इसका राइट आंसर होगा साहित्य अकादमी पुरस्कार से उनको सम्मानित किया गया था दोस्तों। आगे देखिए अब देखिए, यह जनतंत्र जिसकी रोज सैकड़ों बार हत्या होती है हर बार भेड़ियों की जुबान पर जिंदा है, पंक्ति किसकी है दोस्तों? अज्ञा जी का है, धूमिल जी का है, या अशोक वाजपेयी किया? तो ये पंक्ति किसका है दोस्तों? तो ये पंक्ति धूमिल जी का है। आगे देखिए,
धूमिल की काव्य भाषा में एक जबरदस्त क्या है दोस्तों, तो जबरदस्त क्या है, घृणा है, प्रेम है, गर्माहट है या आक्रोश है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ये गर्माहट होगा। आगे देखिए, देखिए प्रसाद जी मुख्यतः किस नाटककार के रूप में प्रतिष्ठित है दोस्तों, तो धार्मिक है, ऐतिहासिक है, सामाजिक है या साहित्यिक है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो ये हो जाएगा आप लोग को, ये ऐतिहासिक है। देखिए समस्या पूर्ति सर्वश्यस नामक ग्रंथ के लेखक कौन है दोस्तों, तो कौन है, अंबिका दत्त व्यास, नाथुराम शर्मा शंकर, भारतेंदु प्रताप, भारतेंदु प्रताप नारायण मिश्र, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, ये हो जाएगा आप लोग को अंबिका दत्त व्यास हो जाएगा। आगे देखिए, आनंद अरुणोदय किसकी रचना है दोस्तों, तो ये जगमोहन की है, प्रेमधन का है, राधा कृष्ण का है, भारतेंदु जी का है, तो ये किसका है दोस्तों, तो ये है आप लोगों को प्रेमधन जी का है। देखिए निराला का अंतिम गीत दोस्तों आराधना पत्रो कंठित है, गीता कुंज है, नए पत्ते हैं, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आप लोग को कौन सा होगा, पत्रो कंठित है। देखिए कामायनी का प्रमुख छंद है दोस्तों, प्रमुख छंद है दोस्तों सवैया, रोला, कुंड लिया या ताटंक, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा कि कामायनी का प्रमुख छंद क्या है, तो उनका प्रमुख छंद है दोस्तों आप लोग को ऑप्शन नंबर ताटंक। देखिए मुंशी प्रेमचंद की जीवनी कमल के सिपाही के रचनाकार है दोस्तों, तो कौन है, अमृत राय, राम सिंह, कमला देवी या सरोज राय, तो इसका रचनाकार कौन है दोस्तों, कमल के सिपाही के रचनाकार, तो ये कौन है आप लोग को पता होगा, तो ये है अमृत राय है, कौन है, अमृत राय। देखिए बालदेव का अपमान कौन करता है, तो बालदेव का अपमान कौन करता है दोस्तों, हरगोरी, कमला, डॉक्टर प्रशांत या कालचरण, तो बालदेव का अपमान कौन करता है, तो ये कहता है हर गोरी। देखिए राग दरबारी उपन्यास के राग दर देखिए थोड़ा राग दरबारी उपन्यास में किस जीवन की समीक्षा है दोस्तों, तो किस जीवन की समीक्षा है दोस्तों, ग्रामीण जीवन का, शहरी जीवन का, एवर भी दोनों, तो इसका राइट आंसर क्या होगा, ये हो जाएगा आप लोग को ग्रामीण जीवन। देखिए गोदान अंग्रेजी में किस नाम से प्रकाशित हुआ दोस्तों, तो गोदान अंग्रेजी में किस नाम से प्रकाशित हुआ, ये हुआ है दोस्तों आप लोग को ऑप्शन नंबर सी द गिफ्ट ऑफ ए काउ नाम से प्रकाशित हुआ। देखिए माँ के मरने के बाद बालदेव किसकी भैंस चराता था, तो माँ के मरने के बाद बालदेव किसकी भैंस चराता था, तो अजोधी भगत का, महंत साहब का, ज्योति काका का या खेलावन सिंह का, तो माँ के मरने के बाद बालदेव किसकी भैंस चराता था, तो ये चराता था तो दोस्तों अजोधी भगत का। आगे देखिए थोड़ा गला खराब है दोस्तों, इसीलिए थोड़ा आवाज़ थोड़ा क्लियर नहीं आ पा रहा होगा, समझे, बीच में गला खराब है, बोलने टाइम गला थोड़ा रुक जाता है, गला में प्रॉब्लम हो जाता है, इसीलिए बोल नहीं पाते हैं सही से, इसीलिए आप लोग थोड़ा कष्ट की होगा। देखिए निम्नलिखित उपन्यास में होनहार वीरवान के होत चिकने पात प्रस्तुत पंक्ति किनके लिए प्रयोग किया गया है दोस्तों, गयादिन के लिए, शनिचर के लिए, रूपन के लिए या वेद जी के लिए, तो ये किसके लिए ये लाइन प्रयोग किया गया है दोस्तों, ये तो ये किया गया है किसके लिए दोस्तों, तो ये किया गया है आप लोगों को रूपन।
ये प्रस्तुत पंक्ति किनके लिए प्रयोग किया गया है? तो रूपन के लिए प्रयोग किया गया है। देखिए मुसलमान भारत को क्या कहते हैं? तो मुसलमान भारत को क्या कहते हैं दोस्तों? तो आप लोग को पता होगा क्या कहते हैं? हिंदू कहते हैं? नहीं, वफादार कहते हैं? नहीं, क्या कहते हैं? वे काफिर कहते हैं। क्या कहते हैं दोस्तों? तो वे लोग काफिर कहते हैं। आगे देखिए, देखिए प्रसाद के ध्रुव स्वामिनी नाटक में कौन सा रस प्रधान है दोस्तों? तो कौन सा है? करुण रस है, रौद्र रस है, शांत रस है या वीर रस है? तो प्रसाद के ध्रुव स्वामिनी नाटक में कौन सा रस प्रधान है दोस्तों? तो ये कौन सा है? तो ये है आप लोगों को कौन सा है? तो ये है वीर रस है। कौन सा है? वीर रस है। आगे देखिए, देखिए स्त्री ने अपने लड़के अशोक को कहानी कहाँ नौकरी दिलाई? तो स्त्री ने अपने लड़के अशोक को कहाँ नौकरी दिलाई दोस्तों? एयर इंडिया में, एयर फ्रिज में, टाटा में या एलजी में? तो कहाँ नौकरी दिया अशोक को मिला दिया दिलाई थी दोस्तों? तो कहाँ दिलाई थी नौकरी? तो उनको नौकरी मिला था दोस्तों एयर फ्रिज में। एयर क्रिज में, फ्रिज में नहीं, क्रिज में है। देखिए भारत दुर्दशा नाटक के किस अंग में भारत का प्रवेश होता है दोस्तों? तीसरा, चौथा, दूसरा या पहला में? तो किस में होता है दोस्तों भारत का प्रवेश? तो कौन सा अंग में? तो ये होता है कौन सा अंग में? तो दूसरा अंग में। देखिए ध्रुव स्वामी नाटक किसके कथन से प्रारंभ होता है दोस्तों? तो ध्रुव स्वामिनी, चंद्रगुप्त, कोमा या खड़ग धारणी से? तो ध्रुव स्वामी नाटक किसके कथन से प्रारंभ होता है दोस्तों? तो किसके कथन से ये प्रारंभ होता है? तो ध्रुव स्वामिनी। देखिए लड़का भाषण देने वाली और जन्म कुंडली बनाने वाली का क्या नाम पुरुष दो को बताता है? तो पुरुषों को बताता है दोस्तों। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? निरोध महर्षि, प्रकोष्ठ महर्षि, रमन महर्षि या इनमें से कोई नहीं? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा आप लोग को निरोध महर्षि। देखिए कुंवर साहब ओवर कोट के लिए खेल में दिन भर कौन साथ रहता था? तो शराबी, लल्लू, लेखक या मधुआ? तो कौन साथ में रहता था दोस्तों? तो मधुआ। देखिए ठाकुर का कुआ का प्रकाशन वर्ष दोस्तों? तो ठाकुर का कुआ का प्रकाशन वर्ष 1932, 1936, 1934 या 1931? तो ठाकुर का कुआ का प्रकाशन वर्ष कब हुआ था? तो उनका प्रकाशन वर्ष इस ठाकुर का कुआ का कहानी का तो हुआ था ये आप लोग को 1932 ईस्वी में प्रकाशन हुआ था। देखिए कहानी में कौन सा अत्यधिक तत्परता से राजकन्या के जी को बहलाने में लगी थी? कि नरिया, अप्सराएं, गंधर्व या इनमें से कोई नहीं? तो इसका राइट आंसर क्या होगा दोस्तों? ये हो जाएगा आप लोग को कौन? किन्नरिया। देखिए लतिका कन्वेंट स्कूल के छात्र छात्रावास में किस पद पर कार्यरत है दोस्तों? दाई, वार्डन या मालकिन या कर्मचारी? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? तो वो किस पद पर थी? तो ये थी वार्डन के पद पर थी। किसके? वार्डन के पद पर। देखिए वासवानी की पत्नी चलने को कहा ने वासवानी को शाम कहा? देखिए थोड़ा ये क्वेश्चन आप लोग को टाइपिंग में मिस्टेक हो गया है दोस्तों, ये क्वेश्चन टाइपिंग में मिस्टेक हो गया है दोस्तों। तो इसका क्वेश्चन, तो ये क्वेश्चन रॉन्ग है दोस्तों थोड़ा। तो आगे देखिए देखिए
देखिए उषा पीरवंदा का जन्म कब और कहाँ हुआ था? तो उषा पीरवंदा का जन्म और कहाँ हुआ था दोस्तों, जन्म और कब कहाँ हुआ था दोस्तों, तो उनका जन्म कहाँ हुआ था? तो उनका जन्म आप लोग को पता होगा दिसंबर 24 में, 24 दिसंबर 1930 ईस्वी में कानपुर में जन्म हुआ था उषा पीरवंदा का। देखिए यशपाल का कौन सा उपन्यास भारत विभाजन की छात्रा सदी का वार्षिक दस्तावेज है दोस्तों? सच्चा झूठ, झूठा सच, झूठा सच या सच झूठ? तो इसका राइट आंसर क्या होगा दोस्तों, ये हो जाएगा आप लोगों को ऑप्शन नंबर बी, झूठा सच। देखिए मेषपाल किस विभाग में नौकरी करते थे? तो मेषपाल जी किस विभाग में नौकरी करती थी? तो कपड़ी, स्वास्थ्य विभाग, सूचना विभाग या शिक्षा विभाग? तो किस विभाग में ये किए थे, कौन सा विभाग में नौकरी किए थे? तो ये किए थे आप लोगों को सूचना विभाग में। आगे देखिए, देखिए जयशंकर प्रसाद का जन्म हुआ था तो कहाँ, कब हुआ था दोस्तों उनका जन्म? तो उनका जन्म हुआ था जयशंकर प्रसाद जी का जन्म, तो उनका जन्म हुआ था कब, 1889 ईस्वी में। आगे देखिए, बेफिक्रे शब्द का दोस्तों, तो बेफिक्रे शब्द का क्या हुआ, निठले, मास्खे, ठाकुर के अबले या रगदार? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो ये हो जाएगा निठल्ले बेफिक्र शब्द का अर्थ यही होगा। निम्नलिखित उपन्यास में कौन सा उपन्यास जनेंद्र कुमार द्वारा लिखा गया है दोस्तों? त्याग पत्र, पराग, सुनीता या सभी? तो इसका राइट आंसर क्या होगा दोस्तों, ये हो जाएगा आप लोग को ये सभी होगा। तो ये उपन्यास जैसे जनेंद्र कुमार जी के द्वारा त्याग पत्र भी लिखा गया, परक भी और सुदिता भी। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा करेक्ट। कौन सा? ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। आगे देखिए, देखिए किसकी पत्नी की मृत्यु वर्मा से आते आते समय रास्ते में हो गई थी दोस्तों? तो डॉक्टर मुखर्जी का, करीमुद्दीन का, फादर एलमंड का या मिस्टर बुबट का, घुबट? तो किसका मृत्यु हो गया था दोस्तों, तो ये हो गया था किसका मृत्यु, डॉक्टर मुखर्जी का। देखिए निम्नलिखित में कहानियों में से कौन सा कहानी कमलेश्वर जी का प्रसिद्ध कहानी संकलन है दोस्तों? खोए हुए दिशाएं, मांस की दरिया, कस्बे का आदमी या ये सभी? तो इसका राइट आंसर क्या होगा दोस्तों, तो ये हो जाएगा आप लोगों को ये सभी हो जाएगा। खोई हुई दिशाएं, मांस का दरिया भी हो, कस्बे का आदमी, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा करेक्ट आंसर। आगे देखिए, देखिए उषा पीरवंदा की कहानी यह हुई है दोस्तों, आत्मा परख हुई, समष्टि परख हुई है, कल्पना परख हुई या व्यक्ति परख हुई है? तो इसका राइट आंसर क्या होगा, ये होगा आत्मा परख हो जाएगा। देखिए माँ के दूध तो तब उतरे जब उसके पेट में कुछ जाए या कथन किसका है दोस्तों? तो ये कथन किसका है दोस्तों, तो ये है स्व अहिरन का, कहानीकार का, सुभेसी पड़ोसर का या ज्वाला का? तो ये कथन किसका है दोस्तों, ये कथन है आप लोग को कहानीकार का। देखिए मोहन राकेश के मिसपाल कहानी में कौन कौन से पात्र है दोस्तों? तो कौन कौन से पात्र है मोहन राकेश में, मिसपाल, रंजीत, जोरावर या ये सभी? तो इसका राइट आंसर क्या होगा, ये हो जाएगा ये सभी हो जाएगा। देखिए रुद्र संप्रदाय की स्थापना किसने की दोस्तों? विष्णु स्वामी, निम्बाकाचार्य, श्री स्वामी, रुद्र स्वामी? तो रुद्र संप्रदाय की स्थापना किसने की दोस्तों, ये किसने किए थे, ये किए थे आप लोगों को विष्णु स्वामी। आगे देखिए,
देखिए उलट वासियां किसने लिखी है दोस्तों, तो सूरदास जी, रहीम, तुलसीदास या कबीर। तो कौन लिखे हैं दोस्तों, ये लिखे हैं आप लोग को कबीर जी लिखे हैं। कौन लिखे हैं, कबीर जी। देखिए अष्टयाम किसकी रचना है, तो नाभादास का, घना धनानंद का, निराता का या पंत। यहाँ निराला होगा दोस्तों, और यहाँ क्या होगा, निराला जी का या पंत का। तो अष्टयाम किसकी रचना है दोस्तों, तो ये है आप लोगों को अष्टयाम नाभादास का है। देखिए सने लीला की रचयिता कौन है दोस्तों, तो विष्णुदास, बेनी, पीपा, रेदास। तो इसका राइट आंसर क्या होगा दोस्तों, ये हो जाएगा आप लोग को ऑप्शन नंबर ए, विष्णुदास। रामचंद्रिका की रचना किसने की दोस्तों, तो सुंदर, केशव, मोहनलाल मिश्र या सेनापति। तो इसका राइट आंसर क्या होगा दोस्तों, तो इसका राइट आंसर आप लोग को क्या होगा, केशव हो जाएगा। देखिए सुजान सागर के लेखक है दोस्तों, तो ठाकुर है, आलम है, बोधा है या धनानंद है। तो कौन है दोस्तों, सुजान सागर के लेखक, तो ये आप लोग को कौन है, तो ये है धनानंद है। देखिए प्रवासी की डायरी की रचयिता कौन है दोस्तों, तो हरिवंश राय बच्चन, रघुवीर, निर्मल वर्मा, अज्ञेय जी। तो इसका लेखक कौन है दोस्तों, ये है आप लोग को डायरी प्रवासी की रचयिता कौन है दोस्तों, तो ये है आप लोग को कौन है, तो ये आप लोग को हरिवंश राय बच्चन जी हैं। देखिए आँखों खुली आँखों का सपना यात्रा वृत्तांत के लेखक कौन है दोस्तों, तो इसके सितेश अशोक आलोक है, सितेश आलोक, वल्लभ डोभाल, मरुधर मृदुल या हरि सुमन विश। तो इसका राइट आंसर क्या होगा दोस्तों, ये हो जाएगा आप लोग को मरुधर मृदुल। देखिए तुलसीदास का ब्रज भाषा का उपयोग किसके लिए करते हैं दोस्तों, वीर काव्य के लिए, प्रेम काव्य के लिए, भक्ति काव्य के लिए या गीति काव्य के लिए। तो तुलसीदास ब्रज भाषा का उपयोग किसके लिए करते हैं, तो ये किसके लिए करते हैं, ये गीति काव्य के लिए। देखिए गोपियों को किन 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 की चिंता नहीं है दोस्तों, ब्रजवासियों का, राजा जी का, अपने का या कृष्णा का। तो गोपियों को किन किन चिंता नहीं है दोस्तों, तो किन की चिंता नहीं है दोस्तों, तो वज्रवासियों का। देखिए शिवराज भूषण किसकी कृति है दोस्तों, तो शिवराज भूषण किसकी कृति है, तो ये आप लोग को पता होगा किसकी कृति है, यह है भूषण जी का है। देखिए क्या है, विद्यापति दे अपनी व्यक्ति भावना की अभिव्यक्ति किन देवी देवताओं के प्रति है दोस्तों, कृष्ण, शंकर, कृष्ण भैरवी या उपरोक्त में सभी। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो हो जाएगा उपरोक्त में सभी हो जाएगा। कबीर की दृष्टि में सर्वप्रथम प्रामाण्य कौन है दोस्तों, गुरु है, ईश्वर है, सगे संबंधी है या इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, तो ये गुरु है। सूरदास की गोपियों की आंखें भूखी है, तो हरि दर्शन की, जग दर्शन की ए और बी दोनों या इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर क्या होगा दोस्तों, ये हो जाएगा आप लोग को हरि दर्शन। देखिए राम सतसई और हनुमान बाहु के रचयिता है दोस्तों, तो रजब है, सूरदास है, तुलसीदास जी है या कबीरदास जी है। तो कौन है दोस्तों, राम सतसाई और हनुमान बाहु के रचयिता, तो ये कौन है, तो ये है आप लोग को सूरदास जी है। देखिए बिहारी लाल किस युग के कवि थे दोस्तों, तो बिहारी लाल किस युग के कवि थे, तो आधुनिक युग के, वीरगाथा युग के, भक्ति युग के या रीति युग के। तो किस युग के थे दोस्तों, तो ये थे आप लोग को ऋतु युग के। देखिए छात्र साल दशक के रचनाकार हैं दोस्तों, सूरदास, भूषण, जायसी या तुलसीदास। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, ये हो जाएगा भूषण हो जाएगा।
देखिए, लकती लपकी कंठ बेरनी के नागिन सी में से कौन सा अलंकार है दोस्तों? अनुप्रास अलंकार, उपमा है, श्लेष है, रूपक है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा दोस्तों? तो ये हो जाएगा आप लोग को अनुप्रास अलंकार है। देखिए, भारतेंदु जी के नाट्य साहित्य को कितने भागों में विभक्त किया है दोस्तों? तो कितने भागों में विभक्त किया है भारतेंदु जी? तो 5, 4, 3 या 2। तो इसका राइट आंसर क्या होगा दोस्तों? तो ये हो जाएगा आप लोग को 3 भागों में विभक्त किया है। देखिए, भारतेंदु युग को कहा जाता है दोस्तों, तो क्या कहा जाता है दोस्तों? नवजागरण काल, आधुनिक काल, गद्य काल या सभी? तो इसका राइट आंसर क्या होगा कि भारतेंदु युग को क्या कहा जाता है? भारतेंदु युग को, तो इसको कहा जाता है आप लोग को दोस्तों नवजागरण काल भी, आधुनिक काल भी और गद्य काल भी। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। देखिए, मानते हैं जो कला को कला क्या थी स्वार्थी करते कला को व्यर्थ ही, किसकी पंक्ति आए दोस्तों? तो मैथिली शरणगुप्त की, हरिओम की, मुकुटधर पांडे की या श्रीधर पाठक की? तो इसका राइट आंसर क्या होगा दोस्तों? ये हो जाएगा आप लोग को मैथिली शरणगुप्त के। देखिए, निराला का जन्म कहाँ हुआ था दोस्तों? तो कहाँ हुआ था? महिषा दल के मेदिनी जिले में, पटना में, वाराणसी में या इलाहाबाद में? तो कहाँ जन्म हुआ था दोस्तों निराला जी का जन्म? तो उनका जन्म हुआ था, आप लोग को पता होगा, महिषा दल के मेदिनी जिले में उनका जन्म। देखिए, सुमित्रानंद पंत का युग क्या है दोस्तों? तो द्विवेदी युग है, प्रगतिवादी युग है, भारतेंदु युग है या छायावादी युग है? तो क्या होगा इसका राइट आंसर? ये होगा आप लोग को कौन सा हो जाएगा? ये ऑप्शन नंबर डी होगा, छायावादी युग। देखिए, अनामिका नाम से प्रथम काव्य संग्रह किस ईस्वी में प्रकाशित हुआ दोस्तों? 1923 में, 1925 में, 1927 में या 1929 ईस्वी में? तो अनामिका नाम से जो काव्य संग्रह किस नाम से, नहीं, किस वर्ष प्रकाशित हुआ था दोस्तों? तो ये हुआ था आप लोगों को किस वर्ष? तो ये आप लोगों को 1923 ईस्वी में। देखिए, पंत की प्रगतिवादी चेतना से प्रभावित काव्य कृतियां है दोस्तों? तो युगवाणी या ग्राम्य? तो इसका राइट आंसर क्या होगा दोस्तों? तो ये हो जाएगा आप लोग को, देखिए ऑप्शन नंबर सी और डी में क्या है, तो युगांत या ये सभी? तो इसका राइट आंसर ये सभी तीनों हो जाएगा। आगे देखिए क्या है कि प्रसाद जी किस रचना से उसकी जिज्ञासा का दर्शन होने लगा था? तो प्रसाद जी का किस रचना से उनकी जिज्ञासा का दर्शन होने लगा था दोस्तों? आना, कामायनी, चित्रधार, चित्र धार या आंसू? तो इसका राइट आंसर क्या होगा दोस्तों? तो ये कौन सा हो जाएगा? तो चित्र धार हो जाएगा। देखिए, दिनकर जी कब राज्यसभा के सदस्य से त्याग पत्र देकर भागलपुर विश्वविद्यालय में वाइस चांसलर बने थे दोस्तों? तो कब बने थे दोस्तों? तो ये कब बने थे आप लोग को पता होगा, सन 1964 ईस्वी में। कब बने थे? 1964 ईस्वी। देखिए, प्रयाग महिला विद्यापीठ के बाद महादेवी ने किस पद से सुशोभित किया? प्रयाग महिला विद्यापीठ में कुलपति पद पर आसीन हुए, घर वापस गई, विद्यापति ने कुल सचिव बनी, विद्यापति में कुल सचिव बनी या इनमें से कोई नहीं? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ये हो जाएगा आप लोग को, प्रयाग महिला विद्यापति में कुलपति के पद पर आसीन हुई। देखिए, अशोक की चिंता कविता किसकी है दोस्तों? तो अशोक की चिंता कविता किसकी है दोस्तों? तो महादेवी, प्रसाद, पंत या निराला? तो किसके यह है दोस्तों ये कविता? तो ये है आप लोग को प्रसाद जी का है। या अज्ञा जी के इस उपनाम
को किसने साहित्यकार द्वारा प्रसिद्ध करवाया दोस्तों? ज्ञानेन्द्र जी, धूमिल जी, यशपाल जी, या इनमें से कोई नहीं। तो क्या है होगा दोस्तों इसका राइट आंसर कि यज्ञ जी के इस उपनाम से किसने साहित्यकार के द्वारा प्रसिद्ध कराया था दोस्तों? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आप लोग को ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, ये ज्ञानेन्द्र जी, जो इनको उपनाम मिला था दोस्तों। तो कौन प्रसिद्ध करवाए थे दोस्तों? ज्ञानेन्द्र कुमार। नागार्जुन का जन्म कब हुआ था दोस्तों? तो नागार्जुन जी का जन्म कब हुआ था? तो उनका जन्म हुआ था आप लोग को सन 1913 ईस्वी। देखिए इनमें से कौन सा काव्य संग्रह दिनकर द्वारा रचित है दोस्तों? तो निम्न के पत्ते, इतिहास के आंसू, धूप और धुआं, या उपरोक्त में सभी। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? उपरोक्त में सभी हो जाएगा। आगे देखिए, आज्ञा के स्नातक स्तर तक शिक्षा पाई किस संकाय में है दोस्तों? तो विज्ञान संकाय में, वाणिज्य में, कृषि वानिकी में, या कला में। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आप लोग को विज्ञान। आज्ञा ने स्नातक स्तर पर शिक्षा पाई या विज्ञान से। देखिए सर्वेश्वर दयाल सक्सेना का जन्म कब और कहाँ हुआ था दोस्तों? तो उनका जन्म आप लोग को पता होगा दोस्तों कहाँ हुआ था उनका जन्म। तो देखिए उनका जन्म हुआ था 15 सितंबर 1927 ईस्वी, उत्तर प्रदेश में उनका जन्म हुआ था। देखिए धूमिल के किस पन का सुदामा पांडे था दोस्तों? धूमिल किस पन का सुदामा पांडे था? तीसरा पन का, बचपन का, लड़कपन का, या दूसरा पन का? तो इसका राइट आंसर क्या होगा दोस्तों? तो धूमिल के किस पन का नाम सुदामा पांडे है दोस्तों? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आप लोग को बचपन। देखिए केदारनाथ अग्रवाल पर लिखे गए जो जनमन के सजग चित्रे शीर्षक कविता किसने लिखी है दोस्तों? तो ये किसने लिखे हैं? तो ये नागार्जुन जी। देखिए क्या है ये पंक्ति है, एक मैं नया कवि हूँ, इसी से जानता हूँ सत्य की चोट बहुत गहरी होती। किसकी पंक्ति है दोस्तों? सर्विस थोड़ा तबीयत खराब है दोस्तों, इसीलिए थोड़ा बीच में रुक जाते हैं, थोड़ा गला खराब है, खराब हो गया। देखिए इसका क्या होगा? सर्वेश्वर दयाल सक्सेना की, धूमिल की, केदारनाथ अग्रवाल की, या त्रिलोचन की? तो इसका राइट आंसर क्या होगा दोस्तों? ये हो जाएगा आप लोगों को ये सर्वेश्वर दयाल सक्सेना की। देखिए रोपी से उठी हुई आंखों ने मुझे क्षण भर टटोला, और फिर जैसे तितराए हुए स्वर में उपरोक्त पंक्ति निम्न की किस कविता से है दोस्तों? तो ये किस कविता से? मोचीराम से, बलराम से, या मैहू से? तो ये किससे है दोस्तों? ते मोचीराम से। तो चलिए दोस्तों आज के लिए हम लोग यहीं तक समाप्त करते हैं, फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। देखिए दोस्तों अगर आप लोग को इसमें थोड़ा मेरा तबीयत खराब है, इसे गला थोड़ा ख़राब है, इसमें कोई वर्ड थोड़ा बोलने में कठिनाई हो रही है, तो इससे आप लोग थोड़ा माफ़ी चाहते हैं, समझे? सही से बोल नहीं पा रहे हैं वो वर्ड, क्योंकि गला ख़राब हो गया है थोड़ा। तो चलिए फिर हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।